सरपंच से विधायक जो थे दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़ दी, अब क्या होगा? होना क्या है भाई, उनका अपना व्यक्तिगत मन था इसलिए यहाँ पार्टी उन्होंने छोड़ा, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं पूरा हुआ तो। और भारतीय जनता पार्टी के पास चौहान, आप यही जानना चाहते होंगे कि दारा सिंह चौहान जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ चौहान समाज बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है, और मैं आप मीडिया के बंधुओं से आग्रह करूंगा कि चौहान समाज के बीच में जाकर के एक बार उनका भी व्यू लेने का काम करें, क्योंकि जितने फोन आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या आम जनमानस हो, सब लोगों ने कहा है कि ये मौका परस्त लोग हैं, इनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि इनको पहले से अनुमान रहता है, इनका जो अनुभव रहा है कि सत्ता बदलने वाली रहती है उसी पर चलेगा। देखिए ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, हम तो इतना ही कहेंगे कि किसी बात से अगर जो कोई विषय था तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मंत्रालय में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे, आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी सबकी बात सुनी जा रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी जा रही। तो ये जनता में ये भी है कि इनका टिकट कटने वाला था, बीजेपी बड़ी नाराज चल रही थी, काम कुछ नहीं कर रहे थे, लोगों से दूर थे। देखिए पार्टी संगठन का विषय है किसका टिकट कटना है, किसको मिलना है, ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब जनता को अपना जवाब देने का समय है तो रास्ता बना लिया अपना। ये था कि बीजेपी के लोग भी इनसे नाराज थे? नहीं, बीजेपी के लोग नाराज थे तो कहीं ना कहीं किसी बीजेपी के लोग नाराज थे नहीं थे ये कोई विषय नहीं है। विषय मात्र इतना है कि जब जनता के बीच में जाकर के अपने जवाब देने का समय आया तो आपने किनारा कसा और समाज को ये संदेश देने का काम किया कि मैं इसी प्रकार का व्यक्ति हूँ और हम सभी मौका परस्त लोग हैं, जब अपना काम सिद्ध नहीं होगा तो फिर हम दूसरी जगह जाने का काम करेंगे।